नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है मूल अधिकार, भाग 3 = अनुच्छेद 12 से 35 तक। परिभाषा में अधिकार जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं, संविधान द्वारा प्रदत्त एवं संरक्षित, कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों से संरक्षण प्राप्त, असीमित नहीं है लेकिन बाध्योग्य है तथा इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उल्लंघन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के, अधिकांशतः नकारात्मक। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त जबकि कुछ सभी व्यक्तियों को विदेशियों सहित प्राप्त। संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन संभव। नोट, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं, संघ की विधायिका एवं कार्यपालिका, सभी राज्यों की सरकारी एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय, अन्य निकाय जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। नोट, उक्त सभी संस्थाओं में कार्य करने वाले कार्मिक सहायक कर्मचारी से लेकर सीनियर IAS ऑफिसर तक सभी राज्य की श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई भी निजी इकाई अथवा एजेंसी राज्य की संस्था के रूप में कार्यरत हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल होगी। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां। यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण अथवा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है, अनुच्छेद 32 और 226। अनुच्छेद 13 एक संविधान लागू होने से पूर्व की सभी विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक मूल अधिकार से असंगत हैं। ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां मूल अधिकार से असंगत होने पर समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि वे मूल अधिकारों से ढक जाती हैं, अर्थात संविधान पूर्व के मामलों में इनका प्रयोग होता रहता है। यदि मूल अधिकार में संशोधन से असंगति दूर हो जाती है तो वे पुनर्जीवित हो जाती हैं। अनुच्छेद 13 2 संविधान लागू होने के बाद के कानूनों के लिए राज्य अगर ऐसी कोई विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि असंगति की मात्रा तक शून्य होगी। पृथक्करणत्ता का सिद्धांत। यदि मूल अधिकार से असंगत भाग ऐसा है जो विधि की मूल भावना को समाप्त किए बिना हटाया जा सकता है तो मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधि को उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा न कि संपूर्ण विधि को। इसी वजह से अनुच्छेद 13 1 एवं 13 2 में उस मात्रा तक शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 13 3 विधि की परिभाषा। विधायिका द्वारा पारित अधिनियम, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, कार्यपालिका के आदेश, नियम, विनियम, उपविधि, अधिसूचना आदि। कानून का बल रखने वाली रूढ़ियां एवं प्रथाएं धर्म विशेष के पर्सनल लॉ इस विधि में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 13 4 इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। मूल अधिकार समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नोट, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को इस श्रेणी से हटा दिया गया। 1. समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता ब्रिटिश संविधान से लिया गया। यह एक नकारात्मक अवधारणा है, इसके अनुसार विधि के सामने व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात विधि के सामने कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, यह विधि के शासन का एक तत्व है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया।
यह एक सकारात्मक अवधारणा है, इसके अनुसार समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 14 तार्किक एवं बोधगम्य वर्गीकरण का विरोध नहीं करता है, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन संविधान के आधारभूत लक्षणों में निहित है। अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निहित है। समता के अपवाद। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कुछ छूट प्राप्त है। विदेशी राजनयिकों, शासकों, राजदूतों एवं संयुक्त राष्ट्र उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालय में दीवानी व फौजदारी मुकदमों से मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 105 एवं अनुच्छेद 194 के तहत क्रमशः संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों को सदन में उनके द्वारा कही गई बात या मत के संबंध में मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 31 क ख तथा ग के तहत पारित विधेयक को अनुच्छेद 14 से उन्मुक्त रखा गया है। अनुच्छेद 15 कुछ आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। 15 एक राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। 15 2 राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों पर भी लागू दुकानों, होटलों, भोजनालय, कुआं, सार्वजनिक समागम के स्थानों आदि जगह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 15 3 अनुच्छेद 15 महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। 15 4 प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। राज्य सामाजिक एवं शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15 5 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। राज्य अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में एवं ओबीसी के अभ्यर्थियों को प्रवेश में आरक्षण दे सकता है। 15 6 103 संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 16 1 राज्य लोक नियोजन नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। 16 2 लोक नियोजन में नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 16 3 संसद विधि बनाकर किसी क्षेत्र विशेष के नियोजन के लिए निवास की बाध्यता लागू कर सकती है। ऐसी विधि केवल संसद द्वारा बनाई जा सकती है, विधानमंडल द्वारा नहीं। 16 4 राज्य पिछड़े वर्गों जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है के लिए नौकरियों में पदों का आरक्षण कर सकती है। इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व का ठोस एवं तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। इंदिरा साहनीवाद आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनीवाद आरक्षित वर्ग के रिक्त रहे पदों को 2 वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके बाद भी रिक्त रहने पर उन्हें सामान्य पदों में बदल दिया जाएगा। ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू होगी। 16 4 A 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था केवल SC और ST के लिए। 85वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा SC ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण के साथ परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था लागू की। 16 4 B 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। बैकलॉग भर्ती में आरक्षण की 50% की सीमा लागू नहीं होगी। 16 5 धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए पदों को उसी धर्म या संप्रदाय के लिए आरक्षित किया जा सकता है। 16 6 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। राज्य अनुच्छेद 16 4 के तहत पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त वर्गों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यह आरक्षण वर्तमान में निर्धारित आरक्षण सीमा से अधिकतम 10% अधिक होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को समाप्त करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण निश्चित करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निरोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध होगा।
संसद में अनुच्छेद 35 के तहत अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए निम्न कानून बनाए हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को 1976 में संशोधन करके नया नाम दिया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989। एट्रोसिटी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट 1989। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। 18(1) राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। 18(2) कोई भी भारतीय किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18(3) विदेशी नागरिक जो राज्य के अंतर्गत लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत हैं, बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। 18(4) राज्य की सेवा में कार्यरत व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपाधियां देने से संबंधित प्रतिबंध केवल राज्य पर लागू है। राज्य को सम्मान देने का अधिकार है, परंतु उस सम्मान का प्रयोग उपाधि की तरह ना हो, जैसे भारत रत्न पद्मश्री बालाजी राघवन बाद। 2. स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं। 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौखिक लिखित यह आपका किसी भी प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। विज्ञापन की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। सूचना का अधिकार भी इसी की व्याख्या से उपजा है। धरना प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन हड़ताल का नहीं। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन। राज्य की सुरक्षा। न्यायपालिका की अवमानना। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। लोक व्यवस्था। अपराध उद्दीपन। मानहानि। नैतिकता। विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध। 19(1)(b) शांतिपूर्ण बिना शास्त्रों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें सभा आयोजित करना, जुलूस निकालना एवं प्रदर्शन करना शामिल है। सम्मेलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के दो आधार निम्नलिखित हैं, लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। 19(1)(c) संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 97वां संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समिति भी शामिल। राजनीतिक दल, मजदूर संगठन, दबाव समूह, कंपनी, सोसाइटी, क्लब आदि बनाने का अधिकार। इस अधिकार पर निर्बंधन के आधार निम्नलिखित हैं, लोक व्यवस्था, सार्वजनिक आदेश, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। 19(1)(d) भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। जन्मदिन का केक, देश के बाहर घूमने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। 19(1)(a) भारत में कहीं भी निवास का अधिकार। आबाद संचरण व निवास के स्वतंत्रता पर निर्बंधन के आधार निम्नलिखित हैं, जनसाधारण के हित में, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार, XXX निरसित। इसे हटा दिया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक संपत्ति अर्जित करने, धारित करने तथा व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। 19(1)(g) रोजगार एवं आजीविका की स्वतंत्रता, केवल वैद्य व्यवसाय शामिल। विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण की अर्हता आरोपित की जा सकती है। इस पर निर्बंधन के आधार निम्नलिखित हैं, जनसाधारण के हित में, राज्य किसी व्यवसाय या व्यापार को पूर्णतया स्वयं संचालित करने के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 19 का निलंबन। नोट, योजक चिन्ह। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल लागू किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 का निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 31(1)(b) सीट से संबंधित विधियों पर अनुच्छेद 19 लागू नहीं होता। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। 20(1)
किसी व्यक्ति को केवल तब दोषी माना जाएगा जब उसने उस समय लागू किसी विधि का उल्लंघन किया हो, तथा अपराध के लिए उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी तत्कालीन प्रवृत्त विधि में उल्लिखित है, अर्थात आपराधिक विधियों का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। 20 किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार अभियोजक एवं दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही कृत्य के एक से अधिक विधियों का उल्लंघन होने पर यह सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी, अर्थात प्रत्येक विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। 23 किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में यह अधिकार प्राप्त नहीं। नोट: 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त अधिकारों को अनुच्छेद 359 के तहत आदेश पारित करके भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय की नई व्यवस्था के अनुसार फिंगरप्रिंट तथा लिखावट को व्यक्ति के विरुद्ध सच माना जाएगा, जबकि अपराध परीक्षण हेतु व्यक्ति को ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट तथा पॉलीग्राफ टेस्ट आदि के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या। पीके गोपालन वाद 1950। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संख्या में व्याख्या की है। इसमें माना कि न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करेगी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप है या नहीं। न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित विधि की समीक्षा नहीं कर सकती, चाहे वह विधि अतार्किक हो, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हो तथा अन्यायपूर्ण हो। गोपालन बाद में न्यायालय ने माना कि प्रताड़ना एवं बंधन मुक्त जीवन ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि एक संघ की व्याख्या थी। मेनका गांधी वाद 1978। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की गई तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आशय यथोचित विधि प्रक्रिया अथवा सम्यक विधि प्रक्रिया से लिया गया। यथोचित विधि प्रक्रिया का आशय है कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित विधि की तार्किकता, उचितता एवं नरसिंहिक न्याय के अनुरूपता की भी समीक्षा कर सकता है, अर्थात अनुच्छेद 21 कार्यपालिका व विधायिका दोनों से संरक्षण प्रदान करता है। 7 ही उच्चतम न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार की व्याख्या व्यापक स्वरूप में करते हुए माना कि यह मात्र जीवित रहना अथवा सांस लेना नहीं है, बल्कि जीवन का आशय गरिमा पूर्ण जीवन से है, इसलिए जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार में शामिल अधिकार: मान एवं प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जलवायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क शिक्षा, निशुल्क विधिक सहायता, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, मानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकता का अधिकार, महिलाओं के साथ आदरपूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्र में मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्ध व्यक्ति को न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा सशक्तिकरण का अधिकार, बार कैटरर्स बीड़ियां के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनिमय का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, धारणीय विकास का अधिकार, अवसर का अधिकार आदि। नोट: अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 21 को निलंबित कर सकता है।
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 359 के तहत भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी विरोध से संरक्षण, दंडात्मक निरोध अपराध करने पर, निवारक निरोध भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए। अनुच्छेद 22 एक एवं 22 दो के तहत सामान्य विधि के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकार। 22 एक गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। 22 तो अपनी पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार एवं 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार, इसमें यात्रा का समय भी सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 22 3 अपवाद जिनको उपर्युक्त अधिकार प्राप्त नहीं है, शत्रु देश के नागरिक, निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। अनुच्छेद 22 4 22 7 निवारक निरोध संवर्ती सूची का विषय है। संघ सरकार राष्ट्र की संप्रभुता एवं सुरक्षा के लिए राज्य सरकार लोक व्यवस्था व सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निवारक निरोध कानून बना सकते हैं। निवारक निरोध के विरुद्ध प्राप्त अधिकार। निरोध की अवधि 3 माह से अधिक केवल तभी हो सकती है जब तक सलाहकार बोर्ड इसके बारे में उचित कारण बताए, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से बनता है। निरोध का कारण बताया जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक हित में बताने से मना किया जा सकता है। व्यक्ति निरोध के विरुद्ध न्यायालय में प्रतिवेदन दे सकता है। नोट, 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा बिना सलाहकार बोर्ड की राय के निरोध की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई, लेकिन वह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आ पाई है। संसद द्वारा बनाए गए निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो के 1969 में समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 जो कि 1978 में निरस्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निवारक अधिनियम COFEPOSA 1974। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ब्रासुका नासा 1980। चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। आतंकवादी एवं विनाशकारी गतिविधियों में निवारण अधिनियम टाडा 1985-1995 में समाप्त हो गया। स्वापक औषध और मन प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम PITNDPSA 1988। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोर्टर 2002 2004 में निरस्त। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA 2004 2008 2012 एवं 2019 में संशोधित। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 1 मानव दुर्व्यवहार बिगाड़ बलात्श्रम प्रतिषेध होगा तथा इस उपबंध का उल्लंघन दंडनीय होगा। यह अधिकार राज्य व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। यह नागरिक व गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। मानव दुर्व्यवहार में शामिल है मनुष्य की वस्तु की तरह खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति हेतु विवश करना एवं उसकी कमाई से जीवन यापन करना, देवदासी एवं दास प्रथा का कोई भी रूप। संसद द्वारा अनुच्छेद 35 के तहत बनाए गए कानून। अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम 1956। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। अनुच्छेद 23 2 इस अनुच्छेद का कोई प्रावधान राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा आरोपित करने से नहीं रोकेगा, बशर्ते राज्य ऐसी सेवा आरोपित करने में धर्म, मूल, वंश, जाति एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नोट, लिंग जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर भेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नियोजन का प्रतिषेध। कारखाने एवं अन्य संकट कार्यों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। संसद ने इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 पारित किया है। 2016 संशोधन करके इसको नया नाम दिया बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। 14 बरस तक के बच्चों का किसी भी व्यवसाय में नियोजन प्रतिबंधित है। सिर्फ पारिवारिक व्यवसाय में सहायता कर सकते हैं विद्यालय समय के अतिरिक्त। दृश्य श्रव्य उद्योग एवं खेलकूद उद्योग अलग रहेंगे, यानी कि ऑडियो वीडियो बना सकते हैं और खेलकूद का भी अलाउड किया गया है। किशोर 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु वाले काश संकटपूर्ण व्यवसाय में नियोजन प्रतिबंधित है।
उल्लंघन पर 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास तथा आर्थिक जुर्माना 20,000 से 50,000 तथा अपराध दोहराने पर 1 से 3 वर्ष का कारावास। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 अंतःकरण धर्म निर्बाध रूप से माननीय आचरण करने व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। निर्बंधन का आधार लोक व्यवस्था सदाचार नैतिकता स्वास्थ्य। अनुच्छेद 25A राज्य धर्म के आचरण के गैर धार्मिक पक्ष जैसे वित्तीय या राजनीतिक को विनियमित करने के लिए राज्य विधि का बंध कर सकता है। अनुच्छेद 25B व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। संविधान में दिए गए स्पष्टीकरण यहाँ हिंदू शब्द में सिख जैन वादे भी सम्मिलित हैं। लोक व्यवस्था के आधार पर सिखों को कृपाण धारण करने से रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन निम्न अधिकार प्राप्त हैं। धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं उनके पोषण का अधिकार। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। जंगम अथवा स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। इसके निर्बंधन के आधार अनुच्छेद 25 के जैसे ही हैं। नोट अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभवों को अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी धर्म विशेष की अभिव्यक्ति के लिए कर नहीं लगा सकता। यह कर के उगाही पर ही प्रतिबंध लगाती है लेकिन शुल्क आरोपित किया जा सकता है। कर से प्राप्त राशि का सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। राज्य द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसी शिक्षण संस्थान जिसका प्रशासन तो राज्य के पास हो लेकिन इसकी स्थापना किसी न्यास या विन्यास के तहत की गई हो उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त एवं राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकते हैं लेकिन छात्र की सहमति या छात्र के अव्यस्क होने पर उसके अभिभावक की सहमति मिलने पर ही। नोट धर्म के प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है। स्टेनिस्लास वाद 1976। 5 संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा लिपि बोली एवं संस्कृति है उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। यह सामूहिक अधिकारों की रक्षा करता है। किसी भी नागरिक को राज्य के संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थानों में केवल धर्म मूल वंश जाति भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यह व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान की रक्षा करती है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। सभी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रशासन का अधिकार है। अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति की रकम इतनी पर्याप्त होगी कि उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत ना हो। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में भेदभाव नहीं करेगा। नोट संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 31XXX निरसित संपत्ति का अधिकार डॉट इसी मूल अधिकारों से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब इसे अनुच्छेद 301 भाग 12 के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। अब संविधान में केवल अनुच्छेद 31A, 31B एवं 31C की शेष हैं। अनुच्छेद 31A प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण तथा निजी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 31B
प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। नवी अनुसूची में धार्मिक अधिनियम को न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षा प्रदान की गई। अनुच्छेद 31C 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39B एवं सी में वर्णित नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाई गई विधि को अनुच्छेद 14 एवं 19 के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 31D XXX निरसित। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा हटा दिया गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानून को सुरक्षा 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32(1) मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार। अनुच्छेद 32(2) मूल अधिकारों का उल्लंघन सिद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर राहत प्रदान करेगा। इसमें निम्न 5 प्रकार की रिटों की चर्चा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शाब्दिक अर्थ सशरीर प्रस्तुत करना, जब किसी व्यक्ति को राज्य या अन्य व्यक्ति द्वारा बंधक बनाया जाता है तो न्यायालय इस रेट के द्वारा आदेश जारी करता है कि बंधक बनाई गई व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि न्यायालय जांच कर सके कि बंधक बनाने के वैध कारण है या नहीं, और यदि अवैध तरीके से बंधक बनाया गया है तो उसे स्वतंत्र कराया जा सके। सरकार बनेगी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है। सरकार के विरुद्ध मुख्य सचिव को जारी की जाती है। निम्न मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रेट जारी नहीं होती है। हिरासत वैध है तथा 24 घंटे नहीं हुए हैं। हिरासत में विधानमंडल या न्यायपालिका की अवमानना के तहत लिया गया है। न्यायिक हिरासत में है। हिरासत न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। परमादेश, शाब्दिक अर्थ इक्वल्स, हम आदेश देते हैं। यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकारी ने अपने लोक कर्तव्य को पूरा करने से मना किया है तो इस रेट के प्रावधान में उसे आदेश दिया जाता है कि वह अपने लोक कर्तव्य को पूर्ण करें। यह रेट केवल लोक प्राधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है, निजी अधिकारियों के खिलाफ नहीं। यह रेट निष्क्रिय को सक्रिय बनाती है। अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। निम्नलिखित के विरुद्ध परमादेश रेट जारी नहीं होती है। निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध जब कर्तव्य विवेकाधीन हो, राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो न्याय की क्षमता में कार्यरत हैं, संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के विरुद्ध प्रतिषेध, यह एक निवारक प्रकृति का है। शाब्दिक अर्थ इक्वल्स रोकना। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण की विरुद्ध तब जारी की जाती है जब भी अपने न्यायिक क्षेत्र के बाहर कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया को निष्क्रिय करती है। यह प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय एवं निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। न्यायिक अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी हो सकती है। उत्प्रेषण यह निवारक व सहायक दोनों प्रकृति का है। शाब्दिक अर्थ इक्वल्स प्रमाणिक होना अथवा सूचना देना। यह रेट किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के विरुद्ध कब जारी की जाती है जब न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देने का संशय हो या निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया हो। इसमें रिट जारी करने वाले न्यायालय मामले को अपने पास मंगलाकर स्वयं सुनवाई करता है। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह रिट व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकरण के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। गतिशील एवं उत्प्रेषण में अंतर। नसीब न्यायालय में सुनवाई के दौरान निर्णय देने से पहले जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण निर्णय से पहले व निर्णय के बाद में दोनों स्थितियों में जारी की जा सकती है। प्रतिशत सिर्फ कार्यवाही को रुकती है, जबकि उत्प्रेषण कार्यवाही को रोककर मामले को अपने पास मंगवाते हैं। प्रतिषेध सिर्फ न्यायपालिका के विरुद्ध, उत्प्रेषण न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अधिकार प्रच्छा शाब्दिक अर्थ इक्वल्स इक्वल्स किस प्राधिकार से।
यह रेट तक जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक पद पर है जिसके वह योग्य नहीं है, अर्थात अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है। यह पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, न कि नियुक्त करने वाले अधिकारी के विरुद्ध। यह मंत्र तो कार्यालय एवं निजी कार्यालय के संबंध में जारी नहीं की जा सकती। अधिकार प्रच्छा न्यायालय का विवेकाधीन उपचार है। न्यायालय अपने विवेक के अनुसार निर्णय करता है कि उसे यह रिट जारी करनी है या नहीं। अनुच्छेद 32(3) संसद सर्वोच्च न्यायालय की रेट अधिकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुच्छेद 32(2) दी गई रेट अधिकारिता में से कुछ अथवा सभी का किसी अन्य न्यायालय तक विस्तार कर सकती है। किसी अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत उनके पास पहले से रिट अधिकारिता है। संसद ने अभी तक इसका विस्तार नहीं किया है। अनुच्छेद 32(4) अनुच्छेद 32 का निलंबन केवल संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर ही किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय अधिकारिता की तुलना। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 से शक्तियां प्राप्त, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 से प्राप्त। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार है, अतः रिट जारी करने के लिए बाध्य है। जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में मूल अधिकार नहीं है, अतः रिट जारी करने की बाध्यता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन के मामले में रेट जारी कर सकता है, अन्य मामलों में नहीं, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के हनन के साथ साथ अन्य मामलों में भी रेट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय आपातकाल के दौरान भी जारी कर सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 32 के संबंध में विभिन्न कथन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा व हृदय है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। मार्शल लॉ अथवा सैनी विधि लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई है। मार्शल लॉ के समय सैन्य प्रशासन को असाधारण अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका न्यायोचित उद्देश्य है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे। अनुच्छेद 35। संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, राज्य विधान मंडलों को नहीं। मूल अधिकारों की आलोचना। व्यापक प्रतिबंधों की उपस्थिति। आपातकाल के समय निलंबन। कोई भी आर्थिक अधिकार सम्मिलित नहीं। महंगी उपचार प्रक्रिया। स्पष्टता की वजह से दुरुपयोग संभव। नोट: आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 1, 5, 1, 6, 1, 9, 2, 9 एवं 30। राज्य के साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार अनुच्छेद 15, 2, 17, 18, 3, 18, 4, 23 एवं 24। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाई गई विधि से यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी विधि में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, यह राष्ट्रीय आपातकाल के समय बनाई गई विधि है। मूल अधिकारों में संशोधन। अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भरा इतिहास रहा है, जो निम्नानुसार है। भूमि सुधार कानूनों को क्रियान्वयन के लिए प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 31 बीच जोड़े गए।
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। उच्चतम न्यायालय निर्णय दिया, अनुच्छेद 13 2 में प्रयुक्त विधि के तहत अनुच्छेद 368 की संविधान संशोधन विधि सम्मिलित नहीं है, अतः मूल अधिकारों में संविधान संशोधन द्वारा कटौती की जा सकती है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व भर्ती निर्णय को दोहराया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 13 2 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन पर भी लागू होता है, अर्थात संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा, अर्थात इससे पूर्व के मूल अधिकारों में किए गए संशोधन मान्य होंगे। 24वां संविधान संशोधन 1971। गोलकनाथ बाद के निर्णय को पलटने के लिए संसद द्वारा संविधान में अनुच्छेद 13 4 अनुच्छेद 368 1 जोड़े गए। अनुच्छेद 13 4 में प्रदान किया गया अनुच्छेद 13 2 अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 368 1 राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया। न्यायालय 24वें संविधान संशोधन को वैध माना, अर्थात की संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन या कटौती कर सकती है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे अथवा विरुद्ध नहीं होने चाहिए। वर्तमान स्थिति यह है कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते संविधान का आधारभूत ढांचा आहत नहीं होना चाहिए। जनहित याचिका PIL। जनता के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार करना ही जनहित याचिका का कहलाती है। संविधान में उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1978 में हुई। यह था हमारा आज का वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।